ऑल राइट, तो भाई आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपसे धोखे से भी इंस्टाग्राम पर फोटोज या फिर वीडियोज डिलीट हो गई हैं तो आप उन्हें रिकवर कैसे कर सकते हैं, आप डिलीट हुई फोटो या फिर वीडियो को वापस कैसे ला सकते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं टेक्नो हेल्पर यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो को भी देख लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों आपसे जाने अनजाने में या फिर गलती से आपकी वीडियोज़ या फिर फोटो इंस्टाग्राम से डिलीट हो गई है तो आप किस तरीके से वापस ला सकते हैं, वो तरीका आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, जिससे कि आप बहुत ही कम समय में अपनी फोटोज़ या फिर वीडियो को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है जान लीजिए। सबसे पहले आपको उस आईडी पर आ जाना होगा जिससे आप फोटोज या फिर वीडियो को रिकवर मतलब वापस लाना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे चैनल की फोटोज़ हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लेना। मैं आपको डिलीट करके भी दिखाऊंगा फ़ोटो को एंड वापस से रिकवर करके भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरी आईडी पर अभी 6 फोटोज़ अपलोड हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 3 और 3 6, ठीक है। अब ये वाली जो फ़ोटो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे मैं आपको डिलीट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक किया एंड यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 5 फोटोज़ मेरी बची हैं, 6 थी अब 5 बची हैं। फिर से रिफ्रेश करके मैं आपको बता देता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी 5 फोटो आपको शो कर रही हैं। अब रिकवर कैसे करना है यही तो जानना है ना, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ऊपर की साइड में यहाँ 3 लाइन मिल जाएंगी, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। देन 3rd नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यूअर एक्टिविटी, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। दोस्तों इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक भी कर देना, साथ में अच्छा सा कमेंट कर देना, क्योंकि इस टाइप की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अब दोस्तों आपको स्क्रीन पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको नीचे से आपको 2nd ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर हो सकता है आपके में 3rd नंबर पर भी ये ऑप्शन आ सकता है। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है रिसेंटली डिलीटेड, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं और भाई आसानी से मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक डस्टबिन का आइकन भी बना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं आज की डेट से पिछले 30 दिन में आपने जितनी भी फोटोज़ को या फिर वीडियो को डिलीट किया हुआ होगा तो आप उन्हें आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि मैंने ये डिलीट की थी, अब यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको डिलीट नहीं करना है, यहाँ पर देख सकते हैं एक डिलीट का ऑप्शन है, वो नहीं करना। उसके जस्ट नीचे आपको रीस्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन अगेन रीस्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन गाइज यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेस लेगा और आप देख पाएंगे यहाँ पर फोटो अभी भी शो कर रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं बैक हो जाता हूँ, फिर से उसी ऑप्शन पर जाएंगे तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो गायब हो गई है। अब ये कहाँ गई है चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फिर से दोस्तों प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करेंगे, एक बार भाई रिफ्रेश करना है आपको या फिर 2 बार भी रिफ्रेश कर सकते हैं। तो भाई देख सकते हैं नीचे, वाह यहाँ पर फ़ोटो वापस आ गई है। तो इसी तरीके से आपने जितनी भी फोटोज़ या फिर वीडियो को डिलीट किया हुआ होगा तो आप उन्हें आसानी से रिकवर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये कमाल की जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।